हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी खैर से होंगे। तो चलो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट आज कम से कम 7-8 दिन के बाद। तो फिलहाल जो मेरी लोकेशन है वो है बिल्कुल अगलर मंडी में शोपियान। ये आप देख सकते हो, ये है शोपियान की मंडी। अभी बिल्कुल यहाँ पे खाली है क्योंकि जो सेब का सीज़न है वो ख़त्म हो गया। बस अभी फ़िलहाल कोल्ड स्टोर का माल चल रहा है। तो 7 दिन के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट क्यों किया है, 5 दिन श्रीनगर गाड़ी रही, वहाँ पे खाली नहीं हो गई। तो फिर उसके बाद मैं घर आया तो मैं बीमार था, तो फिर मेरा मतलब तबीयत सही नहीं था, तो फिर मैं घर में ही बैठा था तो घर में व्लॉग नहीं बन पाया। तो बस अभी हम आज निकल गए लोडिंग करने के लिए। तो बस मैंने शोपियान तक गाड़ी लाया, तो शोपियान से मैंने दानिश भाई को गाड़ी दिया। तो मैंने उसको बोला भाई आप कोल्ड स्टोर तक गाड़ी ले जाओ, तो तब तक मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आधे घंटे काम था। तो बस दानिश भाई ने गाड़ी लाया यहाँ पे, तो अभी मेरे ख्याल से गाड़ी लोडिंग पे लगी है। तो मैं भी आया काम करके, तो बस अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ गाड़ी की तरफ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, ये देखो भाई यहाँ का नज़ारा, अगलर मंडी शोपियान। बिल्कुल मंडी अभी खाली है, तो ये आप देख सकते हो। तो आज ना मैंने दूसरे ट्रांसपोर्ट से गाड़ी लगाया है, जो मेरा ट्रांसपोर्ट था अपना ट्रांसपोर्ट KGR, उनसे आज मैंने गाड़ी नहीं लगाया है क्योंकि उनका जो माल आज निकलता है वो लाशीपुरा कोल्ड स्टोर में वो माल निकलता था। तो पर मैंने सोचा आज मुझे यहाँ पे शोपियान में थोड़ा सा काम था, तो आज दूसरे ट्रांसपोर्ट से गाड़ी लगाया, नया ट्रांसपोर्ट है हरमैन में। तो पर अभी पता नहीं है उसका नाम क्या है, तो चलो पूछ लेंगे आगे, वो भी होंगे यहाँ पर। तो देखो भाई पहुंच गए भाई हम कोल्ड स्टोर। तो ये है MS हमदान एग्रो। तो फिलहाल ये है वेट गेट के अंदर मेरी गाड़ी है। ये देखो भाई ये है मेरा हीरा, अभी लोडिंग पे नहीं लग गया। ये देखो भाई ये है नया ट्रांसपोर्ट हरमैन, तो अभी ले लिया इनसे बिल्टी। ये आप देख सकते हो निसार ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये आप देख सकते हो भाई लोग अभी ले लिया इनसे बिल्टी, हो गया भाई लोडिंग स्टार्ट। तो ये आप देख सकते हो दानिश भाई अभी फिलहाल ऊपर गिनती कर रहा है माल का। तो ये फॉर्म वगैरह लगा के रखा हमने। ये देखो भाई ये है व्यापारी हमारा दोनों भाई। हो गया भाई माल कंप्लीट। तो फिलहाल हमने एक त्रिपाला इसको बिछाया, अब दूसरी त्रिपाला भी डालेंगे, तो फिर निकलेंगे यहाँ से अपने सफर पे। हो गया भाई रस्सा त्रिपाला। तो बस अभी यहाँ पे बिल्टी लेंगे। ये देखो व्यापारी अभी गाड़ी में बैठा है, चालान बिल्टी बनाता है। तो फिर अभी यहाँ पे पीछे इसको अंदर देना है डाला, तो फिर निकलेंगे यहाँ से फिलहाल घर की तरफ। तो वहाँ पे कपड़े उठाना है, तो फिर निकलेंगे अच्छे से और आराम से। अभी फ़िलहाल कोई कन्फर्म नहीं है कार्रवाई का, तो फिर भी देखेंगे क्योंकि स्टोर का माल है, इसको घर में रोकना नहीं पड़ता है। तो फाइनली हम निकल गए कल स्टोर से, तो फिर हम घर गए। तो घर में हमने खाना खाया, फिर कपड़े ले लिया और अपने घर वालों को रुख्सत दे दिया। तो फिर हम निकल गए रात के कम से कम 8 बजे घर से। तो जब हम काजीगुंड पहुंच गया तो वहाँ पे मतलब जो फ्रेश गाड़ियाँ था तो उसको एक एक करके गाड़ियों को छोड़ गए। तो फिर हम भी निकल गए वहाँ से। तो फिर रात के 3 बजे हम यहाँ पहुँच गए। फिलहाल जो हमारा लोकेशन है वो है दलवास में। तो यहाँ पर बिल्कुल रोड सारा का सारा ब्लॉक था, ये आप देख सकते हो। ये देखो भाई यहाँ का नज़ारा और दोनों रोड ब्लॉक है, ये आप देख सकते हो। ये देखो भाई अभी कोई कन्फर्म नहीं है कब छोड़ेगा यहाँ से, तो फिलहाल यहीं पे हम इंतज़ार कर रहा है रात के 3 बजे से। तो फाइनली मैंने गाड़ी स्टार्ट किया है, तो बस दानिश भाई ने फ़ोन किया है, बोला कि आगे गाड़ी छोड़ दिया। ये आप देख सकते हो वहाँ पे गाड़ी हल्की हल्की सी चल रही है। तो बस मैंने भी गाड़ी स्टार्ट रखी है, तो बस अभी फ़िलहाल तैयारी किया है हमने निकलने के लिए। तो
फिलहाल आगे जो रास्ता सुना था, आगे जो रास्ता था वो बिल्कुल डैमेज था, तो उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे रोका गया था। फिर से रोक गया, ये आप देख सकते हो। वो देखो भाई उस साइड कितना जाम लगा है, ये देखो भाई। बिल्कुल उस साइड भी रोड ब्लॉक हो गया, तो बस दानिश भाई ने यहाँ पे देखो मैगी लाया है, बोला कि आज चाय नहीं पियेंगे, आज मैगी बनाएंगे। तो चलो फिलहाल मैगी बनाएंगे, तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो चलो भाई, दानिश भाई ने मना किया, बोला कि मुझे मैगी बनाना नहीं आएगा, तो आप खुद बना लो। तो फिलहाल प्याज काटेंगे, तो फिर आप देख सकते हो। चलो फिलहाल तेल डालेंगे, चलो कम है, और डालो थोड़ा सा, बस 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 बस, ज्यादा हो गया। डालो भाई प्याज, इसको डालो एक ही साथ, डालो 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 सारा डालो भाई। थोड़ा सा नमक डालना, थोड़ा सा डालो नमक, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालो। अब थोड़ा सा मिर्ची लगाओ, डालो मिर्ची भी, हाँ बस। डालो भाई थोड़ा सा पानी, हाँ डालो डालो डालो, बस बस बस, हाँ। अब डालो भाई पानी पूरा, हाँ डालते रहो, और डालो। नहीं थोड़ा सा तोड़ के डालो, हाँ डालो तोड़ के। अब दूसरा वाला भी काटो, इसको 5-6 मिनट लग जाएगा, फिर उसके बाद देखना। तो फिर दानिश भाई बोलेगा मैगी का टेस्ट कितना अच्छा है, ठीक है भाई। ये देखो भाई इसका जो पानी है, थोड़ा सा इसको खुशक हो गया, अब इसको जो ये पानी है बिल्कुल पूरा खुशक करना है, फिर उसके बाद मैगी तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये देखो भाई हो गया मैगी तैयार। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा। तो फिलहाल दानिश भाई बोलेगा, क्योंकि ये अभी टेस्ट लेगा खाने को। चलो भाई डालो पलेट में। तो ये देखो भाई, एक तेरा एक मेरा, ठीक है, दो तेरा दो मेरा, आ गया बराबर, ठीक है। इसमें मैं खाऊंगा, ठीक है भाई, चलो खा दे रहा हूँ। ये देखो भाई दानिश भाई, दानिश भाई कैसा मजा लगा? बहुत मजा है, बहुत मजा है। चम्मच नहीं है, चम्मच तो नहीं है, अब चाकू से खाना पड़ा। चलो भाई, तो चलो भाई, मेरा भी हालत मेरे ख्याल से खराब होने लगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि बुखार आने वाला है। तो चलो करते हैं व्लॉग बंद, तो दीजिए इजाज़त अपने मस्त मंडा व्लॉग्स को, खुदा हाफिज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन बटन भी दबाना, लाइक शेयर कमेंट करते ही जाना। बाय।